दोस्तों, आज मैं आपको नरक के ऐसे पांच राजाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कहा जाता है कि एक ना एक दिन ये राजा अपनी सेना के साथ धरती पर आक्रमण कर देंगे और हमारी धरती को अपना बनाकर उस पर राज करेंगे। बेल्फोगोर, इसे लेजनेस डेमोन के नाम से भी जाना जाता है। ये कहा जाता है कि ये पहले एक बहुत ही अच्छा फरिश्ता हुआ करता था, लेकिन बाद में इसने अच्छे फरिश्तों का साथ छोड़कर बुरे फरिश्तों का साथ देना स्टार्ट कर दिया। तब इसे स्वर्ग से निकालकर नरक में फेंक दिया गया और तब से वह उस नरक में ही कैद है। अजेजल, ये एक पहले बहुत ही अच्छा फरिश्ता हुआ करता था, लेकिन बाद में इसने देवताओं के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया। लेकिन धरती पर इसे एक औरत से प्यार हो गया था और उसकी एक संतान भी थी जिसे नेफलिम के नाम से जाना गया, लेकिन बाद में वो उसकी संतान कलंक बन गई। तभी देवताओं ने उनको मिटाने के लिए एक तूफान पैदा कर दिया। तभी अजेजल ने एक दानव रूपी रूप लिया जो कि पाप और क्रोध को रिप्रेजेंट करता है। बेल्जेबब, ये एक ऐसा खतरनाक दानव है जो कि लालच को रिप्रेजेंट करता है। इसकी लाल ना ख़त्म होने वाली लालच हमेशा भूख के माध्यम से होती है। ये जब भी किसी को देखता है तुरंत उसे खाने की इच्छा प्रकट करके उसे खा जाता है। एस्मोडियस, ये एक ऐसा दानव है जो कि पाप को रिप्रेजेंट करता है। इस दानव की एक बात है कि ये दानव सबसे अशुद्ध इंसान से बना है। जब इसका एक अस्तित्व था जो कि एक जगह का राजा था, और उस जगह का राजा होने के कारण ये दुनिया का उस समय का सबसे अशुद्ध और नास्तिक इंसान था। लेकिन जब ये इंसान नरक में पहुंचा तब ये एक दानव के रूप में बाहर आया और एक बहुत बड़ा शैतान बना। आखिरी लूसीफर, ये एक ऐसा दानव है जो कि पहले फरिश्तों का राजा हुआ करता था। ये बहुत ही सुंदर फरिश्ता था ऐसा माना जाता है, लेकिन सुंदर होने के कारण इसके अंदर बहुत अहंकार था, और ग्रंथ के हिसाब से देखा जाए तो इसने देवताओं से विद्रोह शुरू कर दिया और उस विद्रोह के बाद ये हार गया। तभी इसे नरक में फेंक दिया गया और कहा जाता है नरक में पहुंचने के बाद वो नरक में ही अपनी सेना बना रहा है और आज भी देवताओं के खिलाफ विद्रोह करता है और धरती को और अपने के सपने देख रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।